नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल गीता मिश्रा पहाड़ी ब्लॉग पर। सुबह के 10 बजे हैं, मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। आज ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ गेहूँ धोने से। देखो, दिखाती हूँ मैं आपको कैसे गेहूँ मिले हैं हमको इस बार, कितना इसमें मिट्टी है और कितना इसमें कूड़ा करकट है, दिखाती हूँ मैं आपको। देखो ये गेहूँ में कितना मिट्टी आया है, ये बहुत ही मिट्टी है। इसमें दो दो तीन तीन चार चार बार धोने में भी पूरा काला ही पानी आ रहा है। देखिए, ये देखो कितना मिट्टी है इसमें। तीसरी बार धो दिया मैंने इसको, अभी तक इतना मिट्टी आ रहा है। ये अभी भी ये तीसरी बार धो रही हूँ इसको मैं। देखो कितना पानी, मैला पानी आ रहा है। ये पूरा मिट्टी वाला गेहूँ था ये। इसमें बाड़ी छोटे छोटे वो कीड़े भी हैं इसमें, ये इनको भी धोना ज़रूरी है। धो के अभी धूप आई है तो सुखा देते हैं, कि जाड़ों के दिनों में बहुत कम सूखता है क्योंकि धूप कम रहती है। अभी बहुत ज़्यादा धूप आई है। मिट्टी और टेरू है इसमें ज़्यादा, मिट्टी टेरू पत्थर, तीन तीन चार चार बार पानी में धोना पड़ रहा है। फिर यहाँ से धो धो कर थोड़ी पानी यहाँ पे छन्नी में निकाल करके सारा एक इसको निकाल देते हैं। फिर उसके बाद गेहूँ जो एक है एक बार इस छन्नी में निकाल दें हैं हम ये, फिर हम ये गेहूँ इसमें डाल लें ये सुखाने के लिए। आज धूप भी अच्छी आ रखी है, छन्नी में निकलवाना है। एक बार इसमें छान रहे हैं क्योंकि एक बार इसमें छान रहे हैं एक बार इसमें छानना है, सारा पानी निकालना है। चार चार पांच पांच बार पानी में धो धा करके सारे कीड़े भी निकल रहे हैं, और मिट्टी के जितना भी वो मिट्टी के छोटे छोटे डली हैं इसमें, एक दो होते तो हाथ से बिन लेते, लेकिन बहुत सारे हैं इसमें। कुछ भी नहीं होगा तो एक 50 किलो कट्टे में 2-3 किलो तो मिट्टी होगा उसमें। धूप लगी है बहुत, पाँव के नीचे बहुत गर्म हो रहा है। जरा गेहूँ को पलटा देती हूँ, खिराई दे में खिराई, जरा सूख जल सकता लगे। पहले वाले महीने में मैंने जो ब्लॉग बनाया था उसमें डाला था मैंने, तुलसी के पत्ते तोड़ दिए थे मैंने। देखो दोबारा से इसमें कली आ गई हैं, और ये अगर नहीं तोड़ती तो पूरे में ऐसे ही फूल आ जाते थे ये, और दोबारा पूरा फिर से इसमें कली आ गई हैं। और आज और तोड़ रही हूँ मैं इनको, और एक बार फिर आएंगे ये, इसलिए बार बार इनको तोड़ देना चाहिए। कली से जहाँ से कली आई है वहाँ से इनको ऐसे तोड़ देना चाहिए। उस दिन भी मैंने तोड़ के दिखाया था आपको कि कैसे मैंने तोड़ा और कैसे सुखाया करके। आज भी मैं और तोड़ रही हूँ, ये दोबारा फिर आ जाएंगे इसमें, 2-3 बार आती है इसमें, लास्ट में फिर पेड़ ही निकाल देंगे इसके बाद वाले में। इतनी सारी तुलसी निकल गई मेरी है, पिछली बार भी इतनी ही निकली थी क्योंकि पेड़ भी 2-4 ही हैं, ये इतने ही पेड़ हैं, 4 पेड़ यहाँ पर हैं, 2 पेड़ इस तरफ को हैं ये बीच में, और इधर उधर से कटेरी हैं ये। क्योंकि इस बार मैंने ज़्यादा लगाई नहीं, लगाई तो थी मैंने, बोके में चली गई थी ऑपरेशन करने को, पर मेरे आने के बाद देखा मैंने तो एक भी पेड़ जमा नहीं था। ये 4-6 पेड़ जो भी हैं ये तो मेरे वो नीचे एक सासू जी रहते हैं, उन्होंने अपने लगाए वाले में से दिए मेरे को कि लगा ले करके, तो 2 बार तोड़ दिया मैंने, इतना हुआ है ये। देखो कितना छोटा पेड़ है हमारा, ये जामीर का पेड़ है, और देखो कितने सारे जामीर आए हैं इसमें, अभी तो इतने सारे दिख रहे हैं ये। जब खाने लायक हो जाएंगे तो हमको एक भी नहीं मिलेगा इनमें से, क्योंकि यहाँ पर बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है, सारे बंदर खा जाते हैं, छिल के फेंक देते हैं, खाने खाते नहीं भी हैं तो छिल के फेंक देते हैं। इनके 3 बच्चों के हैं, और अभी मैं जा रही हूँ बैंक में, मुझे बैंक में थोड़ा सा काम है। ये देखिए यहाँ पर एक गाय को घुमा रहे हैं, इसके कंधे में पाँव है, और दीवार में पहुँच गए। हम क्या समाखन दिखाता नहीं।
शाम के 7 बज चुके हैं और हम बना रहे हैं सब्जी। ये देखिए, एक कद्दू और आलू मिक्स करके एक सब्जी रखी हुई है और दूसरी सब्जी काटी हुई है, करेला काटा हुआ है हमने। और इंतज़ार हो रहा है, अभी हमारे जेठ जी आने वाले हैं आज, अभी तो पहुँचे नहीं हैं, रास्ते में ही हैं। अभी मैंने कॉल किया, कॉल भी नहीं लगा उनको। और ये रायता भी बना रखा है थोड़ा सा, और ताऊ जेठ जी आने वाले हैं, उनका इंतज़ार हो रहा है। बाज़ार से आ गई थी मैं दिखा नहीं पाई आपको जल्दीबाजी में, क्योंकि बहुत ही देर लग गई थी मेरे वहाँ पर। और वहाँ से आने के बाद मैं पानी लेने चले गई, उसको भी नहीं दिखा पाई मैं, क्योंकि अंधेरा हो गया था, अंधेरे में नहीं दिखाया मैंने। और उसके बाद अब मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। ये सब्जी बनने वाली है, ये वाली सब्जी, फिर इसको रखते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। मेरे जेठ जी आएंगे तो उनसे मिलवाऊँगी आपको, बने रहिए मेरे ब्लॉग पर। रात के 8 बज चुके हैं और जेठ जी भी पहुंच चुके हैं। मैं आपको नहीं दिखा पाई उनको, क्योंकि आते आते एकदम वीडियो बनाना ठीक नहीं लगा मुझे। कल को मिलवाती हूँ मैं आपको उनसे। अब मैं फिर खाना बनाती हूँ। आज के ब्लॉग में बस इतना ही बनाते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मुझे सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी करना और शेयर करके अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।